जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते में आपको क्या क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाला है, कि कौन सा बड़ा बड़ा हिंदी कॉन्टेंट आने वाला है। तो इस बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है, और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। चलिए बढ़ते हैं अभी इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है गुठली लड्डू, जो एक हिंदी ओरिजिनल अंडररेटेड मूवी है, जिसे आपको एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसमें हमें एक गांव में रहने वाले छोटे बच्चे की कहानी देखने को मिलती है। और ये मूवी काफी इमोशनल एंड इंस्पायर करने वाली है, जो अभी Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए ही Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई मूवी को रिलीज कर दिया गया था, जिसका नाम है कदे दादे दिया कदे पोते दिया, जो काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसे इस संडे को ही रिलीज कर दिया गया था। तो अभी ये मूवी भी Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज कर दी गई है। इसके बाद अतरंगी के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई टर्किश वेब सीरीज को हिंदी डब करते हुए रिलीज कर दिया गया है इंडिया में, जिसका नाम है एंडलेस, जो एक रोमांटिक सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें प्यार की कहानी भी देखने को मिलेगी और उसके साथ ही हमें मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी देखने को मिलने वाली है, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में अतरंगी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद एक नई चाइनीज मर्डर मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज को इंडिया में हिंदी डब करते हुए रिलीज कर दिया गया है, जो भी अभी अतरंगी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें कहानी हमें एक फैमिली की देखने को मिलती है, जिनके पास्ट के कई सीक्रेट छुपे होते हैं, जो अभी इस वेब सीरीज में एक एक करके अनफोल्ड होने वाले हैं। तो क्या रहती है कहानी, वो अभी अतरंगी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जिसके सभी एपिसोड्स अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं आज के दिन की, जब Amazon Prime की ओर से हॉलीवुड की एक बड़ी मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है नेपोलियन, जो अभी Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही, मतलब के वीडियो ऑन डिमांड पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है, जो एक ट्रू हिस्ट्री एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें दुनिया की हिस्ट्री में से नेपोलियन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी आज के दिन में ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। इसके बाद आज के दिन में ही बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज होने वाली है एक नई हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी वन मोर शॉट, जिसमें हमें कुछ टेररिस्ट की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक जगह पे एक बड़ा अटैक प्लान करने वाले हैं। तो उनको रोकने के लिए अभी एक नेवी सील ऑफिसर सामने आने वाला है, जो अभी एयरपोर्ट पे एक दूसरे से लड़ते हुए देखने वाले हैं। ये मूवी ट्रेलर देखने से तो काफी बढ़िया लग रही है, जो अभी 2024 की ही मूवी है, लेकिन अफसोस कि ये मूवी अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है। बाकी हिंदी डब में कब देखने को मिलती है उसके बारे में अभी तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताता ही रहूंगा। इसके बाद कल के दिन में ही मींस के 10 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से मार्वल्स की एक बड़ी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है एको, जो एक क्राइम एडवेंचर सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज है, जिसमें हमें कुछ सुपर पावर्स भी देखने को मिलने वाली हैं, और मेनली कहानी एक लड़की की होने वाली है, जो अभी एक नई सुपर हीरो बनके सामने आने वाली है। तो उसकी कहानी कैसे रहती है और कैसी रहती है ये वेब सीरीज, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसके पहले दो एपिसोड्स को कल के दिन में रिलीज कर दिया जाएगा, और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें एक एक करके हर हफ्ते में देखने को मिलेंगे, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लीज किया जा रहा है। अगर आपको स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अभी 10 तारीख को रिलीज होने वाली है एक नई स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज ब्रेक पॉइंट का सीजन 2, जिसमें हमें टेनिस का स्पोर्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी प्लेयर्स के साथ और इस गेम में क्या क्या थ्रिल निकल के सामने आता है, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये वेब सीरीज भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होने वाली है, जो अभी कल से मींस के 10 तारीख से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद कल के दिन में ही मींस के 10 जनवरी को एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसमें हमें लंदन शहर में दो डिटेक्टिव्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी पास्ट के एक बड़े केस में उलझने वाले हैं। तो उनकी उलझने कैसे सुलझती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा, लेकिन अफसोस ये सीरीज भी अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर वेब सीरीज हिंदी डब में रिलीज नहीं होती है। इसके बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई साइफाई एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है लाइव ब्रेक का सीजन 3, जिसे भी अभी कल से मींस के 10 जनवरी से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है, जिसके रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि हिंदी में भी अवेलेबल होती है या नहीं। जिसकी कहानी काफी बढ़िया है, जब शहर के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसमें कुछ लोग भी गिर जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं दूसरी दुनिया में, जहां पे उन्हें अजीब से जानवर देखने को मिलते हैं। तो बाकी क्या होता है इस सीरीज की कहानी में, वो तो आपको इस सीरीज में ही देखने में मजा आएगा, जो अभी 10 जनवरी से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। अगर आपको भी जैपनीज एनिमी एक्शन एडवेंचर सीरीज देखना पसंद है, तो आपके लिए इंडिया में अभी करंची रोल के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई जैपनीज एनिमी एक्शन एडवेंचर सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है मेटालिक रोग, जो भी अभी कल से मींस के 10 जनवरी से ही करंची रोल के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में रिलीज की जाने वाली है, जिसमें भी हमें एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी देखने को मिलने वाली है।
इसके बाद बात करते हैं 11 जनवरी मतलब के इस थर्सडे की, जिस दिन हमें बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें सबसे पहले पंजाबी ऑडियंस के लिए एक बड़ी थिएटर्स वाली रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है गड्डी जांदिए छलांगा मार दी, जिसमें पंजाबी सिंगर एक्टर एमी विर्क हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और इस मूवी में हमें काफी बढ़िया कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है, जो अभी 11 जनवरी से ही चोपड़ के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस थर्सडे को ही रिलीज होने वाली है एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज, जिसका नाम है किलर सूप, जिसमें हमें मनोज बाजपेयी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं और ये एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है इस महीने की, जिसमें कहानी हमें एक वाइफ की देखने को मिलेगी जिसका सपना होता है एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का, लेकिन उसका पति उसकी हेल्प नहीं करता, जिसके बाद एक क्राइम और मिस्ट्री भरी कहानी शुरू होने वाली है इस वेब सीरीज में। इसके बाद 11 जनवरी को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक नई साइफाई एक्शन एडवेंचर हिंदी डब वेब सीरीज बॉय स्वेलोस यूनिवर्स, जो भी अभी इस थर्सडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी 1980 के ब्रिस्बेन की देखने को मिलने वाली है, जब एक घर में एक कॉल आती है और उस कॉल को आंसर करते हुए एक क्राइम की कहानी शुरू होने वाली है। बाकी क्या होता है वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए और उसके ऊपर से हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है तो और भी बढ़िया बात है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही इस थर्सडे को ही रिलीज होने वाली है एक नई बढ़िया एनिमेशन हिंदी डब वेब सीरीज सोनिक प्राइम का सीजन 3, जिसको भी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी काफी पसंद किया जाता है, जो अभी इस थर्सडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स पे ही एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है डिटेक्टिव फर्स्ट, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, लेकिन अफसोस ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल होगी। तो बाकी इस पॉलिश वेब सीरीज की कहानी में क्या होता है वो तो इसको देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इस थर्सडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं इस हफ्ते के फ्राइडे के दिन की, जो हर हफ्ते का सबसे बड़ा दिन रहता है, जब हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है लिफ्ट, जो एक क्राइम एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक बड़ी चोरी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी इस फ्राइडे की दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे को ही अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई क्राइम एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी रोल प्ले, जिसे भी अभी इस फ्राइडे से ही अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। ये भी एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक बड़े क्राइम की कहानी को दिखाया जाएगा और वो भी बढ़िया एक्शन के साथ, जो भी इस फ्राइडे को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे को ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक नई वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, वो भी हिंदी डब में, जिसका नाम है चरण्स जर्नी, जो एक फैमिली सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज है, जो ओरिजिनल तमिल वेब सीरीज है और अभी इस फ्राइडे से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आपका इंतजार शायद हो सकता है कि इस फ्राइडे को खत्म हो जाए, जब 2023 की सबसे बड़ी मूवीज में से एक ओटीटी पर रिलीज होते हुए देख जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड मूवी द केरला स्टोरी की, जिसके बारे में अभी एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से एक नई अपडेट देखने को मिल रही है कि ये मूवी हमें इस फ्राइडे से ही मतलब के 12 जनवरी से Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हुए देखने वाली है। बाकी अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, बट अभी अपडेट देखने को मिल रही है तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताने का कि अभी चांसेस लग रहे हैं कि इस फ्राइडे को ये मूवी हमें Z5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाए। बाकी जब भी कंफर्म होती है मैं आपको अपडेट करता ही रहूंगा, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करते रहें। इसके बाद इस फ्राइडे को ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक मोस्ट अवेटेड हिंदी एनिमेशन वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 3, जो भी एक इंडियन मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज है, जिसका भी इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था। तो फाइनली अभी ये वेब सीरीज 12 जनवरी से ही मतलब इस फ्राइडे से ही हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें इंडियन हिस्ट्री में से हनुमान जी की कहानी देखने को मिलती है। तो ये था इस हफ्ते का कंफर्म हुआ कंटेंट। बाकी आने वाले कुछ दिनों में हमें और भी बहुत सारा कंटेंट सरप्राइज रिलीज होते हुए देखने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता ही रहूंगा। तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो जरूर करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।